तो दोस्तों देखिए, फाइनली हमने भी इसको जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और इसको जो है ओपन करके देखेंगे इसमें वाकई में जो चीज हमने ऑर्डर किया है वही है या और कोई चीज है। तो ये देखिए इसका सील पैक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसका जो इनवॉइस है यहाँ पे लिखा गया है हेमर इलेक्ट्रॉनिक्स हेमर टॉर्च बोल के लिखा हुआ है, जैसे वीडियो में ये लोग बता रहा था। तो ये है इसका पैकिंग, तो इतना जो है अच्छी तरह से पैकिंग नहीं हुआ है, देखिए आप देख सकते हो। और ये है इसका अंदर, तो इसको हम लोग बाहर में भी जाकर के टेस्ट करेंगे। तो देखिए लाइट का क्वालिटी तो बिल्कुल सही है, बहुत ही सही तरीके से ये ग्लो कर रहा है और जैसे इन्होंने वीडियो में दिखाया है सेम उसी तरह से। देखिए इससे इन्होंने जो है ग्लास को भी तोड़ा है, तो इसके साथ देखिए ये कैप दिया है बंद करने के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता ये तोड़ जो है उतना जो है हार्ड है जो ग्लास को भी तोड़ पाएगा। तो यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, एक यूएसबी दिया है जहाँ से आप मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो, और ये छोटा सा एक केबल दिया है चार्जिंग के लिए, बहुत ही छोटा है, लगभग 5-6 इंच का होगा। तो देखिए 8-9 इंच का होगा ये। तो ये देखिए दोस्तों क्वालिटी उतना सही नहीं है, थोड़ा सा इसका जो बॉडी है थोड़ा नरम लग रहा है। तो चलिए अभी बाहर जाकर के टेस्ट करेंगे इसको। तो देखिए ये पूरा डार्क है यहाँ पे, तो इसको ऑन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता ये उतना जैसे ही इन्होंने जो वीडियो में दिखाया उतना जो है इसका ब्राइटनेस है, लेकिन इसका फोकस सही है, बहुत ही अच्छा फोकस हो रहा है। तो थोड़ा दूर में जाकर के भी इसको चला करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये रेल का पत्री है सामने, तो यहाँ पे हम लोग इसको चलाएंगे, देखेंगे इसका फोकस जो है कैसे जो है बिहेव कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो ये जैसे इन्होंने वीडियो में दिखाया उसी तरह से यहाँ पे जो है लाइट जो है ब्राइटनेस जो है फैल नहीं रहा है, यहाँ पे पॉइंटेड है, एक सिंपल फ्लैश लाइट जैसे ही काम कर रहा है ये। तो फाइनली अभी देखिए ग्लास को हम लोग टेस्ट करेंगे, और ये देखिए इन्होंने जो यहाँ पे हैमर टाइप का जो पॉइंटेड दिया है ग्लास वगैरह तोड़ने के लिए, और वीडियो में इन्होंने दिखाया इससे ग्लास वगैरह तोड़ करके दिखाया था, तो तोड़ सकते हैं कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्योंकि इसको पॉइंटेड बनाया है और मेटल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे दिया है, तो थोड़ा सा जोर से मारेंगे तो तोड़ जाएगा, लेकिन ये छोटा सा मिरर है, मैं इसको देखिए तोड़ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ। तो थोड़ा ज़ोर से इसको मारेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन मैं इसको तोड़ेगा नहीं। और जो है मुझे नहीं लगता ये अगर ये मिरर को भी तोड़ देता है तो ये ग्लास का जो भी कार का जो ग्लास वगैरह है उसको तोड़ पाएगा, क्योंकि कार का ग्लास जो है बहुत ही हार्ड होता है और ये टॉर्च जो है बहुत ही बिल्कुल थोड़ा सा कम है, नरम है। तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये टॉर्च को जो है आप परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि चाइनीज़ का प्रोडक्ट है और जैसे वीडियो में दिखाया उसी तरह से ये नहीं होता है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो।